गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग के पास सही से आवाज जा रही है कि नहीं, यस या नो कर दीजिए पहले। आवाज जा रहा है सर, यस या नो? कमेंट कीजिए, यस सर जी। चलिए ठीक है, सभी लोग का गुड इवनिंग सर जी, सभी लोगों का गुड इवनिंग। और आज का सर जो सेशन चलेगा सर, वो पाइप एंड सिस्टर्न्स का चलेगा, पाइप तथा टंकी। आप जानते हैं कि जो टाइम एंड वर्क का है वही पाइप एंड टंकी है, दोनों मतलब एक ही चैप्टर है, लेकिन दोनों अलग अलग जाना जाता है, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखे। टाइम एंड वर्क में जो आप अभी तक जाने कि समय का उल्टा इफिशियंसी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है, अर्थात इफिशियंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है, वही इसमें आपको पढ़ना है पाइप एंड सिस्टर्न्स में। जो आपको टाइम एंड वर्क में थोड़ा टाइप अगर छूट गया होगा अल्टरनेट वाले, वो सब अल्टरनेट वाले कवर आपको पाइप एंड सिस्टर्न्स में हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले क्या कीजिए कि जितने आपको दोस्त हैं वो सभी दोस्तों के पास आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए, आपको जितना ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि उन लोग भी सभी जुड़ जाए और इस सेशन का लाभ उठा लें उन लोग। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन से चलते हैं, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको ये बोर्ड पर रहा और आप लोग इसको सोल्व कीजिए पहला नंबर क्वेश्चन को। तो आप लोग सभी लोग ओके सर जी, सभी लोग शेयर कर दिए ना अपने अपने दोस्तों के पास। हाँ, बात को यह समझना है। रंजन कुमार रमन प्रणाम सर जी, आनंद रहिए, आनंद रहिए सभी लोग, आनंद रहिए और आनंद लेते हुए आराम से पढ़ते रहना, कोई ज्यादा प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ते रहना सर। मनीष कुमार इसका आंसर कर दिए, 60/7 पूर्णांक में लेकर के चले आइए, 8 पूर्णांक 4/7 वो पूर्णांक में आपका ऑप्शन दिया हुआ। जी सर बिल्कुल। अब बात को यह समझना है सर कि आप लोग जानते होंगे कि जे हम लोग का चैनल पर ये चल रहा है पीकेएस भाई पर, वो अर्थमेटिक का बैच चल रहा और एग्जाम का डेट पहले अलॉसमेंट कर चुका है कि 28 दिसंबर से होगा, ये आपको एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा 20 तारीख से पहले कि वास्तव में होगा कि डेट एक्सटेंड होगा। और उसी को मतलब मद्देनजर रखते हुए आप लोग इस चैनल पर पीकेएस वाई पर तो अर्थमेटिक क्लास कर ही रहे, एक एडवांस क्लास मेरा आ रहा है, वो एडवांस क्लास आपको आ रहा है प्लेटफॉर्म के चैनल पर, वो नवीन कुमार नमीर कुमार सिंह लिखिएगा तो आपको प्लेटफॉर्म या द प्लेटफॉर्म ही लिखिएगा तो आपका चैनल मिलेगा। और नवीन सर के चैनल पर मैं कल 7 से 8 PM में, नोट कर लीजिएगा आप लोग, 7 से 8 PM में एडवांस मैथ का सेशन, एडवांस मैथ का सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी चार्ज इसमें नहीं है, कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आपको किस चैनल पर होगा, नवीन कुमार सिंह नवीन सर के चैनल पर होगा, कितना बजे, 7 से 8 PM में एडवांस मैथ। तो आप उस चैनल से जुड़िएगा, कल शाम में होगा, कल मतलब कि 17 दिसंबर से आपको 7 से 8 PM में एडवांस मैथ चलने जा रहा है। इस एडवांस मैथ के सेशन में आप लोग वहां लाइव आइए, वहां से आप एडवांस मैथ का लाभ ले लीजिए। और यहां जो आपको चल रहा है, बहुत सारा कमेंट आप लोग किए कि सर ये चलेगा कि बंद होगा, नहीं ये आपको चलता रहेगा, इस समय में आपको चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग में बदलाव कर दिए। थोड़ा सा टाइमिंग में ये बदलाव है कि जो आपको 6 से 7 PM में हमेशा लाइव होता था, ये 1 घंटा पहले चले आइए, आपको 5 से 6 PM 5 PM to 6 PM में आपको ये PKSY मैच पर अर्थमेटिक लाइव होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। कल 6 से 7 में नहीं आएंगे,
आप लोगों के सामने। कल हम यहां आएंगे इस चैनल पर 5 से 6 PM में, और 7 से 8 PM में एडवांस है जो नवीन सर के चैनल पर आएंगे, और दोनों बैच अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना लाभ लेना है वो लाभ लीजिए। यहां जो हम लोग एडवांस पढ़ेंगे टू द पॉइंट NTPC एंड ग्रुप डी, मतलब कि एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जाम आने वाला है उसमें क्या पूछा जाएगा, ये आपको एडवांस में यहां वही सोच करके रखा गया कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। सभी लोगों का गुड इवनिंग सर जी, सभी लोगों का गुड इवनिंग, आंसर सब लोग कर रहे हैं। अच्छा सर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा बात को गहराई से समझिए, कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर भी देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। संजय कुमार कह रहा है कि सर जी कुछ पैसा लीजिए, फ्री में पढ़ने में बुरा लगता है सर प्लीज। कोई बात नहीं है, आप लोग सक्सेस कर जाइए, मेरा यही आशीर्वाद है, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग सभी लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ लीजिए, जब आप लोग का जॉब लग जाएगा तो लगेगा कि सर मेहनत किए हैं, मेरा जॉब हो गया है, जो आपको बनेगा वो आपको पेमेंट नहीं करिएगा, लेकिन कम से कम आप लोग यहां आकर के मिठाई जरूर खिलाइएगा सर, वही हमको सफलता होगा, और समझेंगे कि मेहनत किया हुआ रंग ले आया। तो मोबाइल नंबर भी देंगे सर। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप समझ लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन समझने के बाद आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर सब दे रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है सब बताएंगे। महमूद जी कहा कि एडवांस का PDF कैसे मिलेगा सर, वो हम कल आप बताएंगे, कल सात में शाम में 7 से 8 PM में आइए, हाँ हम बताएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग आएंगे, जो हम लोग आएंगे 6 से 7 PM में, वो 6 से 7 PM में नहीं, अब कल से 5 से 6 PM में लाइव आएंगे। कल से कितने में आएंगे, 5 से 6 PM में, ऐसे पोस्टर भी लगा देंगे, क्योंकि आप लोग का इतना ध्यान नहीं रहता कि कितना बजे लाइव रहेंगे, लेकिन पोस्टर में आपको लगा रहेगा, पोस्ट में जैसा ही पोस्ट लगेगा यूट्यूब पर तो टाइमिंग भी रहेगा कि 5 से 6 PM। धीरेन्द्र कुमार कहा अब तो सरकार के पैसा ले रहे हैं सर जी, कहां लिए सर जी सरकार का पैसा, सरकार का पैसा हजम ही नहीं हुआ, क्योंकि जो आप लोग के साथ हमको यहां सुखमय या आनंदितमय होते थे वो सरकार से पैसा से नहीं हो पा रहे थे। तो पहला नंबर सवाल पर चले आइए, पहला जो नंबर सवाल है, कहा कि एक जग में दो छिद्र हैं, पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता और दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है, यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्र के द्वारा जग कितने देर में खाली हो जाएगा। तो दोनों खाली करने वाला है तो खाली होगा टंकी, और दोनों भरने वाला है तो भरेगा, लेकिन अगर एक खाली करने वाला और एक भरने वाला रहेगा तो टंकी भर भी सकता है और टंकी खाली भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि टंकी भरेगा कि खाली होगा। अभी दोनों पाइप लगा हुआ है, जो टंकी को खाली करने वाला ही पाइप लगा हुआ है, एक जग में दो छिद्र है, पहला छिद्र इसे 15 मिनट में खाली कर देता है, कितना मिनट में खाली करता है, 15 मिनट में, और जो दूसरा पाइप है यह दूसरा छिद्र इसको 20 मिनट में खाली कर देता है। हम कहें कि उस टंकी का क्षमता कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा कि 15 लीटर 15 मिनट में खाली करता है और 20 मिनट में क्षमता आया, वो क्षमता आपको आ गया कितना, 60, मतलब 15 मिनट में 60 लीटर एक छिद्र के द्वारा खाली हो रहा है, तो एक मिनट में कितना लीटर खाली होगा, आप कहेगा कि एक मिनट में 4 लीटर, 20 मिनट में 60 लीटर पानी खर्च खाली हो रहा है, तो 20 मिनट में 60 लीटर तो एक मिनट में कितना लीटर, आप कहेगा कि 3 लीटर, पहला वाले से 4 लीटर पानी निकल रहा और दूसरे वाले से 3 लीटर, दोनों एक साथ मिल जाएगा तो दोनों मिलकर के कितना लीटर पानी बाहर निकालेगा, आप कहेगा कि दोनों मिल जाएगा तो 7 लीटर पानी निकलेगा। कितना लीटर बाहर पानी निकालना है टंकी से, आप कहेगा कि 60 लीटर निकालना है, 60 लीटर, तो 60 लीटर पानी निकालना है और एक मिनट में 7 लीटर निकलता है, तो 60/7 पूर्णांक में लाएंगे, 8/4/7 मिनट में पूर्ण रूप से टंकी खाली हो जाएगी। अब बात को थोड़ा सा यह समझना है,
कमेंट बादल कुमार कह रहे हैं कि सर जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ सर, छोड़ना नहीं चाहिए था लेकिन छोड़ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का साथ रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 पूर्णांक 4/7, तो आप इस तरीका से इफिशियंसी से भी बना सकते हैं, या टाइम एंड वर्क में आपको बताएं कि अगर दो व्यक्ति काम करता है, अगर ए एक्स दिन में काम कर रहा है और बी वाई दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर जो काम करता है, गुणनफल बटे योगफल, ऊपर गुणनफल और नीचे क्या करते थे, योगफल। यहां भी दोनों मिलकर के खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर के खाली कर रहा है तो हम कहेंगे गुणनफल बटा योगफल, और गुणनफल बटे योगफल कर रहे हैं दोनों मिलकर के, जहां दोनों मिलकर के काम करेगा ऊपर में गुणा करेंगे और नीचे में जोड़ करके भाग दे देंगे। नीचे में जोड़ कर भाग दीजिए, कितना आ गया 35, कट गया 3 से 5 बार में और 7 से 5 बार में 60/60। पूर्णांक में लाएंगे तो 8 पूर्णांक 4/7। तो जब भी अलग अलग काम कर रहा है और दोनों मिल करके एक साथ काम करवाया जाएगा तो आप गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल चले आइए। नेक्स्ट सवाल, दूसरे नंबर सवाल पर चले आइए। दूसरे नंबर सवाल पर आइए कि दूसरा नंबर जो सवाल आपको कह रहा है वो क्या कहा जा रहा है। दो नंबर सवाल जो आपके सामने रहा सर, ये आपको कहा गया कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटा में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो आसान है, सभी लोग 20-20 आंसर कर रहे हैं। हाँ सही है, 20 ही होगा। बफरिंग हो रहा है सर, अजय यादव कह रहा है कि बफरिंग हो रहा है सर जी। बोलिए सर जी, बफरिंग हो रहा है सभी लोगों का कि सिर्फ अजय कुमार का ही बफरिंग हो रहा। तो एक कर रहा है 45, एक 45 और दूसरा है जो 36। एलसीएम लेंगे, आप कहेगा एलसीएम आपका आ गया 180। 45 से 180 कितना बार में कटा, 4 बार में, और 36 से 180 कितना बार में कटा, 5 बार में। दोनों मिल करके काम करने जा रहा है, पहला वाले का क्षमता 4, दूसरा वाले का 5, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता 9 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 20। या जब भी दोनों मिल करके काम कर रहा है तो हम गुणनफल बटे योगफल कर सकते हैं। गुणनफल 45 गुना 36 और योगफल 45 और 36 का ऐड कर दीजिए, तो 45 और 36 ऐड किए तो कितना आ गया 81। 9 से कट गया 4 बार में और 9 से कट गया 9 बार में, ये 9 से कट गया 5 बार में, 520। जिससे मने उससे बना दीजिए। नेक्स्ट सवाल पर आप चले आइए सर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा। मनीष कुमार कह रहा है नहीं हो रहा है बफरिंग सर जी। सही है, नहीं हो रहा है तो आराम से मजे लेकर के पढ़ते रहिए। नीतीश यादव, हाँ सर जी, हम मुखिया जी 100 बीघा से हैं, मस्त, ठीक है, एक नंबर मुखिया जी, आराम से पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा है मुखिया जी। ये मुखिया जी नीतीश कुमार हैं, वो मेरे गांव से गमिये जुए हुए हैं, मुखिया सरपंच सब पढ़ रहे हैं, इसी तरीका से आप लोग भी मन लगा करके पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सवाल आप आ जाइए 3 नंबर पर। 3 नंबर सवाल है कि खाली टंकी को भरने के लिए दो पाइप एक्स और पाइप वाई, पाइप एक्स अकेले 10 घंटा में टंकी को 2/3 भाग भर सकता, तो पाइप एक्स है जो अकेले 10 घंटा में 2/3 भाग, 2/3 भाग को भरने के लिए 10 घंटा की आवश्यकता। हम कहेंगे पूरा भाग भरेगा तब कितना देर लग जाएगा, तो आप कहेगा क्रॉस गुना किए इसको 15 घंटा लग जाएगा। एक्स को कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा। इसी तरीका से बाई का मान निकालेंगे। बाई कह रहा है आपको कि बाई 1/6 भाग भरने में लेता है कितना समय, 5 घंटे समय लेता है। तो 1/6 भाग भरने में 5 घंटा समय ले रहा है, तो बाई पूरा भाग भरने में कितना समय लेगा, 6 × 5 = 30 घंटा लेगा। तो एक्स पूरा भाग भरने में 15 घंटा और बाई पूरा भाग भरने में कितना घंटा लिया, 30 घंटा लिया। दोनों मिल जाएगा
तब आपको पूछा कि दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिति दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में पूरा करेगा, दोनों मिल जाएगा 122 दोनों मिल जाएगा, तो कहेंगे गुणनफल बटे योगफल से भी बना सकते हैं, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल, 15 तिया का 45 और 10 तिया का 30। इस तरीका से एडवांस तरीका से काटने आना चाहिए आपको, बार बार नहीं काटेंगे, एक ही बार पकड़ से इस तरीका से काट दिए, 15 से कटा 3 बार में और 3 से कटा 10 बार में, 10 आ गया। जिनका इस तरीका से नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सर हम इफिशियंसी से ही बनाएं, कोई बात नहीं है, आपको इफिशियंसी से बनाने का शौक आ गया कि मैं हम इफिशियंसी से बनाएंगे सर जी, आप इफिशियंसी से बनाइए, एलसीएम ले लीजिए कितना, आप कहेगा कि 30 एलसीएम आया, तो 15 घंटा में 30 तब एक घंटे में कितना 2, 30 में 30 तब एक में कितना 1, दोनों मिल जाएगा तो 2 और 1 कितना 3 क्षमता, तो 30 का 3 क्षमता से काम करेगा कितना लग जाएगा 10, 10 आ गया, सभी लोग का 10 है सही जवाब। इसी तरीका से आप लोग बनाते रहिए और आंसर करते रहिए। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए। जीएस मस्ती अजय जी कह रहे हैं कि कैसे हैं सर जी, मैं भी मस्त हूं सर, मस्त। 3 के बाद 4 नंबर सवाल पर आइए कि जो 4 नंबर सवाल कहा ये क्या कहा जा रहा, 4 नंबर सवाल, 4 नंबर जो सवाल है सर आपको, ये कहा गया कि एक ट्यूब में 2 छिद्र हैं, अकेला छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली कर सकता जबकि दूसरा छिद्र ट्यूब को 6 मिनट में खाली कर सकता, यदि एक रिसाव निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा, दोनों मिलकर कर रहा, कितना आसान है, जैसा ही दोनों मिलकर कहा तो गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल 29 गुना 6 और योगफल 29 और 6 कितना आ गया 35, गुना कर दीजिए, पूर्णांक में लाइए, गुना किए तो 9×6=54 का 4 हासिल 5, 6×2=12 और 5 कितना 17, 174 बटे का 35, पूर्णांक में लाएं तो 4 पूर्णांक 35×70, 4 पूर्णांक कितना आ गया 34 बटे का 35, 4 पूर्णांक 34 बटे 35, हाँ सही, मनीष कुमार सही जवाब दिए हैं, 4 पूर्णांक 34 बटे 35। प्रेम कुमार जी 156 बटे 35 नहीं, 174 बटे 35। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए। नेक्स्ट सवाल, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सर ये होगा, ये नहीं होगा सर, 34 बटे 35 नहीं, 4 पूर्णांक 34 बटे 35 होगा। नेक्स्ट जो आपको सवाल है ये 5 नंबर सवाल पर चले आइए। 5 नंबर जो सवाल आपको कहा कि पानी का एक टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है, पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक के तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए में कितना समय लगेगा, यदि पूरी हुए टैंकी को खाली या भरने, मतलब क्या रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो टैंक को पूरी तरह भरने या टैंक को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको मान निकालना, मान निकालने जा रहे हैं, एक 2/5 भाग पहले से भरा हुआ, ये 12 मिनट में भरेगा, ए है जो कितना मिनट में भरेगा 12 मिनट में, और बी है जो कितना मिनट में खाली कर देगा 6, जहां माइनस लगाएं तो समझना है कि वो खाली करने वाला है। एलसीएम ले लिए तो आप कहेगा एलसीएम 12 आ गया सर, एलसीएम कितना आ गया 12 आया, और 12 एलसीएम आया तो 12 में 12 लीटर तब एक में कितना 1 और 6 में 12 तब एक में कितना 2, अब बताइए कि ए 1 लीटर पानी भर रहा है और बी उसमें 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो जब ए 1 लीटर पानी भर रहा है और बी 2 लीटर पानी निकाल रहा है, आप कहेगा टंकी भरेगा कि खाली होगा, तो आप कहेगा कि टंकी खाली होगा सर, कितना, तो आप कहेगा कि प्रत्येक मिनट में 1 लीटर खाली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 लीटर भर रहा है और 2 लीटर खाली हो रहा है, तो एक्चुअल जो हुआ वो 1 लीटर खाली हो रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रहा है, मतलब अब टंकी भरेगा नहीं, अब जब भी होगा वो टंकी क्या होता चलेगा, खाली होता चलेगा, और खाली हम करवाने जा रहे हैं, कह चुका है कि पूरा भाग भरा हुआ नहीं है, टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है,
दो बटे पांच भाग भरने का मतलब कि टोटल 24 बटे पांच भाग भरा है, तो 24 बटे पांच भाग भरा है, खाली करने आ रहा है कितना के दर से, एक के दर से, और एक में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, एक से किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, 24 बटा पांच ही रह गया, और 24 बटा पांच को पॉइंट में लाएंगे तो 4.8 मिनट आ गया, 4.8 मिनट। अब ऑप्शन देखिए कि भर रहा है कि खाली हो रहा है, आप कहेगा कि 4.8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी करें। एक विक्की कुमार ऑफिशियल जो है ये ऑफिशियल में रह जाते हैं, चलिए ठीक है, -4.8 कहे, चलिए ठीक ठीक है विक्की कुमार, और ऑप्शन नंबर डी विकास कुमार करें गलत करें। नेक्स्ट सवाल आइए, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर पर, कि 6 नंबर जो सवाल आपको है वो क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर सवाल, छह नंबर जो सवाल है आपको सर जी, एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 30 मिनट में पूरा भर देता, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटा 15 मिनट का समय लगता है, रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, मान निकालना, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 15 मिनट, आप 1 घंटा 30 मिनट का मान निकालिएगा तो कहिएगा 1.5 घंटा हो गया, घंटा में चेंज करेंगे तो 3/2 घंटा हो जाएगा, क्लियर, और 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा तो है और 15 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 से भाग दिए तो कितना आ गया, 1/4, 2 + 1/4 का मतलब कि जो दूसरा है वो है जो 9/4 घंटा, एक रिसाव होने के कारण 2 घंटा 15 मिनट के समय लगता है, मतलब कि पूर्णांक को तोड़े तो 9/4 घंटा लगेगा, 4 घंटा, मतलब ये तो साथ में भर ही रहा है और ए के साथ में भरने के साथ साथ बी इसके साथ खाली करने वाला, रिसाव का मतलब कि पानी खाली हो रहा, खाली करने वाला आया तब इनका लग जाता है 9/4 घंटा, 9/4 घंटा, एलसीएम लेना है ना सर, तब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, सिर्फ एलसीएम लेना है ऊपर वाले का, और ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, आप कहेगा कि 9 आ गया, एलसीएम सिर्फ ऊपर वाला के लेना, हर में कुछ नहीं करना है, जितना है आपको अंश में ही काम करेंगे, 9 एलसीएम आया तो 3/2 में 9 से भाग, 9 में 3/2 से भाग दिए, ये क्षमता कितना आ गया, आप कहेगा कि 6 क्षमता आ गया, और 9 में 9/4 से भाग दिए तो क्षमता कितना आ गया, 4, मतलब कि ए जब अकेला भर रहा था तो क्षमता 4 था, मतलब 4 लीटर भर रहा था, लेकिन बी जब खाली कर रहा है, सॉरी ए जब भर रहा है तो 6 लीटर भर रहा है, कितना लीटर, 6 लीटर, लेकिन ए और बी के साथ आया तो 4 लीटर भर रहा है, ऐसे क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दोनों भरने वाला रहता तो यहां 6 के स्थान पर ज्यादा भरता, अभी 4 लीटर पानी भर रहा है, मतलब कि ए तो अकेला 6 लीटर पानी भरेगा और बी के आने से 4 लीटर पानी भर रहा, मतलब बी निकासी कर रहा है पानी को, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब निकालने वाला है, तो आप बताइए कि 6 लीटर है और यहां 4 लीटर है, कितना निकासी कर रहा, आप कहेगा कि 6 में 2 लीटर ही निकासी कर रहा होगा, इसीलिए 4 लीटर पानी दोनों मिल करके भर रहा, 6 लीटर ये अकेला, तो बी कितना लीटर पानी निकालेगा कि दोनों मिलकर के 4 लीटर भरेगा, आप कहेगा कि 2 लीटर निकासी किया, अब पूरा खाली करवाना है बी के द्वारा, तो टोटल 9 है, उसमें 2 क्षमता से खाली करेगा, 2 क्षमता से खाली करने का मतलब 4.5 घंटा, 4.5 घंटा का मतलब 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा का मतलब यह हुआ 4 घंटा 30 मिनट, यह न कि 4.5 घंटा का मतलब 4 घंटा 50 मिनट नहीं लिखना है, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग सही जवाब दिए। नेक्स्ट सवाल आ जाइए, विक्की जी कह रहे हैं कि आप तो डेराहे दिए सर, नहीं वो विकास कुमार पढ़ना था, विक्की जी पढ़ा गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पर आइए,
छह के बाद सात नंबर सवाल, सात नंबर जो सवाल है आपके सामने ये रहा कि एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगता, एक बर्तन है उसमें जूस भरा जा रहा है तो 12.5 मिनट लगते हैं, और इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाती है, वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कि एक जूस भरा जा रहा है, वो भरने का क्षमता है वो 12 मिनट में भर रहा है, और एक है जो खाली कर रहा है, एक बच्चा पी रहा है, लेकिन वो बर्तन को कितना देरी में खाली कर देगा, जूस वाले बर्तन को 25 मिनट में। फिर से बात को समझिए, अगर बर्तन में डायरेक्ट उस बर्तन को भरना है जूस से तो 12.5 मिनट में भर जाएगा, लेकिन अगर उस जूस वाले बर्तन भरे हुए एक बच्चा के देंगे तो वो पूरे जूस वाले बर्तन को 25 मिनट में पी करके समाप्त कर देगा, खाली कर देगा। अब कह रहा है कि ऊपर से भर भी रहा है और वो बच्चा पी भी रहा है, तब उस जूस वाले बर्तन को कितना देरी में भरेगा। अब इसको हम भरने जा रहे हैं, एलसीएम ले लिए तो 12.5 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 25। 12.5 और 25 का एलसीएम 25, 12.5 से 25 कितना बार में कट गया आप कहिएगा, दो बार में, और 25 से 25 कितना बार में कटा आप कहिएगा, एक बार में। मतलब भरने का क्षमता 2 और खाली करने का क्षमता 1, दोनों मिल जाएगा तो ये 2 लीटर भरेगा और 1 लीटर खाली करेगा, अभी भी 1 लीटर भर रहा है, टोटल कितना आप कहेगा कि 25 लीटर, 1 के क्षमता से 25 लीटर भरने में कितना मिनट का समय लगेगा, आप कहेगा 25 मिनट का समय लगेगा। सर सभी लोगों का सही जवाब 25 मिनट का ही समय लगा। नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए, दीपांजलि एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड 25 आंसर किया सही है। अनूप साहनी कहा कि गुड इवनिंग गुरुदेव जी, गुड इवनिंग गुरुदेव जी, मैं अनूप साहनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लेकिन अनूप साहनी जी आप बहुत लेट जुड़े हैं, इतना लेट नहीं जुड़ना चाहिए और पहले जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए आपसे, नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, 8 नंबर है कि एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, इनलेट पाइप का मतलब कि भरने वाला पाइप लगे हैं, जब पहले 2 एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में लगता, दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना में 5 घंटे कम और तीसरे के तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं, पहला इनलेट अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। मतलब कि 3 इनलेट पाइप लगा हुआ है, पहला इनलेट पाइप ए मान लिए और दूसरा इनलेट पाइप बी मान लिए, और ए और बी जितने समय में भरेगा उतना ही समय में तीसरा इनलेट पाइप सी को लगेगा। हम करें कि अगर ए और बी मिलकर के 1 घंटा में भरेगा तो सी भी अकेला कितना देरी में भर देगा, 1 घंटा में। मतलब ए और बी का मिला के जो क्षमता है वह अकेला क्षमता किसका है, सी का है। ए और बी का जो क्षमता है वो अकेला क्षमता किसका है, सी का। अब बात को समझिए कि ए और बी कहा कि दूसरे इनलेट पाइप जो है पहले से 5 घंटे कम और तीसरे से 4 घंटे ज्यादा लेते हैं, दूसरे इनलेट पाइप पहले से 5 घंटा कम तीसरे से 4 घंटा ज्यादा, पहले से 5 घंटा कम तीसरे से 4 घंटा ज्यादा, पहले से 5 घंटा कम तीसरे से 4 घंटा ज्यादा। तो दूसरा इनलेट पाइप है जो तीसरा से 4 घंटा ज्यादा लेगा, तीसरा अगर 1 घंटा लेता है तो दूसरा इनलेट पाइप 1+4 घंटा लेता। अब बात को यह समझिए कि अगर पहला से 5 घंटा कम लेता है, पहले से 5 घंटा कम लेता होगा तो पहला इससे 5 घंटा ज्यादा लेता होगा, अगर पहले से 5 घंटा कम ले रहा है तो पहला इससे 5 घंटा ज्यादा ले रहा होगा, अगर पहला इससे 5 घंटा ज्यादा ले रहा है तो पहला 1+9 घंटा, पहला 1+9 घंटा और दूसरा 1+4 घंटा। और टाइम एंड वर्क में आपको ऐसा बताएं सवाल कि अगर ए और बी 1 घंटा में काम करता है, ए उससे
एक घंटा ज्यादा और बी उससे बी घंटा ज्यादा लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर जो काम करेगा ये अधिक वाले गुणनफल के वर्गमूल होगा। 4 × 9 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। ए का मान निकालेंगे तो एक्स का मान 6 रखेंगे, 9 और 6 कितना? 15 घंटा। और एक्स का मान 6 रखेंगे तो दूसरा वाला कितना घंटा? 10 घंटा। किसका मान पूछा? ए का तो 15, बी का मान पूछा तो 10। तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, एक बार आप कमेंट कर दीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन पर, समझ में आया कि नहीं, यस या नो, यस या नो, एक बार आप कमेंट कीजिए। कमेंट का इंतजार है सर, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अभिलाष चौधरी कहा कि सर जी प्रणाम, आनंदित रहिए, आनंद रहिए, आनंद रहिए। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्या सर? नहीं सर, अभी तो बायलिंगुअल नहीं है। संजय कुमार कहा यस सर जी, और गौरव सुमन कहा कि समझ गए सर, और सानु भारती प्रणाम गुरु जी, आनंद रहिए, आनंद रहिए, लेकिन बहुत लेट आप लोग जुट रहे हैं। एक दीपांजलि एजुकेशन से बोला गया कि रिपीट कर दीजिए सर एक बार फिर से सर। विक्की कुमार भी कहा एक बार और सर जी, एक बार अगेन, कोई बात नहीं, एक बार और आराम से समझ लीजिए, पुनः एक बार और आराम से समझ लीजिए। तो एक बार और समझिए, कहा गया कि ए और बी जितना घंटा समय लेता है, दो इनलेट पाइप जितना समय लेता है उतना ही तीसरे वाले का समय लगता है। मतलब ए और बी अगर एक्स घंटा लेगा, तीसरा पाइप सी भी एक्स घंटा लेगा। और ए सवाल आपको फिर कहा गया अगला स्टेटमेंट में कि दूसरा इनलेट पाइप मतलब बी है जो ए से 5 घंटा कम समय लेगा, लेकिन तीसरे से सी से 4 घंटा ज्यादा समय लेगा। अगर तीसरा से 4 घंटा ज्यादा समय लेता है तो तीसरा का हम एक्स मान चुके हैं, 4 घंटा ज्यादा लिया था एक्स प्लस 4, और पहला से 5 घंटा कम, ये 5 घंटा कम लेता है तो पहला 5 घंटा ज्यादा लेगा। 5 घंटा ज्यादा का मतलब अगर बी ले रहा है एक्स प्लस 4, इससे 5 घंटा ज्यादा लेगा तो 5 घंटा ऐड कर दिए एक्स प्लस 9। और ये आपको हम बताएं टाइम एंड वर्क में कि यदि ए और बी एक्स घंटा में काम कर रहा है, ए अकेला काम करेगा एक्स प्लस ए में और बी अकेला काम करेगा एक्स प्लस बी में, तो जो दोनों मिल करके काम करेगा अंडर रूट ए बी होगा। तभी 9 घंटा ज्यादा ले रहा है या 4 घंटा ज्यादा ले रहा है, अंडर रूट ए भी 9 × 4 36 का वर्गमूल 6, एक्स का मान 6 है तो 6 रखे और 9 ऐड कर दिए 15, यहां 6 रखे और 4 ऐड कर दिए 10। नेक्स्ट सवाल पर आप चले आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर, 9 नंबर सवाल। नौ नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है इस पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर किए मनीष कुमार कि 14 होगा। 9 है कि पाइप ए एवं सी एक खाली टंकी को 7 एवं 10.5 घंटे में पूरा भर सकते, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 2/3 भाग भरने में कितना घंटे लगेंगे? तो तीन पाइप है, ए और सी भरने वाला है, ए है जो इसको कितना देर में भर देता है, तो ए भरता है 7 घंटे में, ए 7 घंटे में, और बी है जो 5.25 घंटे में खाली कर देता है। बी है जो 5.25 को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 5 + 1/4 मतलब कि 21/4, और सी है जो 10.5 और 10.5 घंटे को लिखेंगे, 10.5 घंटे को लिखेंगे 21/2, 10.5 को 21/2। तो इस तरीका के आपको देख रहे हैं कि ये आर आर बी आर पी एफ कॉन्स्टेबल 2019 में सवाल पूछा गया है और पॉइंटों में ऐसा मान दिया, तो पॉइंट से घबराना नहीं है, देखिए कितना आसान से बनेगा। एलसीएम लेंगे
तो ऊपर वाला का सिर्फ एलसीएम लेना है। सात इक्कीस, इक्कीस का एलसीएम आप कहेगा इक्कीस होगा सर जी, सात से कितना बार में इक्कीस कट गया, तीन बार में, इक्कीस बटा चार से इक्कीस कितना बार में कटा, चार बार में, ये खाली करने वाला है माइनस कर दिए, और इक्कीस बटा दो से इक्कीस कितना बार में कट गया, दो बार में, मतलब कि बी है जो खाली करने वाला है, ध्यान में रखना, ए और सी भरने वाला है और बी खाली करने वाला है, तीनों को एक साथ ले आए हैं तो बी खाली कर रहा है और ए और सी भर रहा है, तो भर रहा है तीन और दो कितना, पांच के दर से, तीन और दो पांच लीटर भरेगा और चार लीटर खाली करेगा तो अभी भी कितना लीटर भरेगा, आप कहेगा कि एक लीटर भरेगा, कितना टंकी खाली, कितना टंकी में क्षमता भरने का, 21, 21 लीटर एक के क्षमता से भरने में कितना घंटा लग जाएगा, आप कहेगा 21 घंटा, 14 नहीं 21 होगा सर, 21। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए आप सर, नेक्स्ट सवाल 9 के बाद 10, अब सब सवाल समझने लायक है, तो जहां पॉइंटों में मान देगा कुछ नहीं घबराना, जहां आप लोग देखते हैं कि पॉइंट में मान दिया बस स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ना। 10 नंबर सवाल, आज का जो 10 नंबर सवाल है ये आपको बोला जा रहा है कि तीन पाइपों में से पहले दो क्रमशः 10.8 घंटा और 21.6 घंटा में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? तो तीन पाइप है, पहला दो पाइप भरने वाला है और एक तीसरा पाइप खाली करने वाला, तो दो पाइप भरने वाला, पहला ए हम मान लेते हैं जो भरने वाला होगा और 10.8 है, 10.8 पॉइंट हटाएं तो 10 + 8/10, 8/10 का मतलब है आपको आ गया 50 और 4 54/5, 54/5 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट पॉइंट हटा करके 10.8 में पॉइंट हटा करके डायरेक्ट 10 लिखिएगा तो 54/ कितना आ गया, 5 आ गया। और बी वाले दूसरा पाइप भी भरने वाले, दूसरा पाइप है जो 21.6 घंटा और 21.6 घंटा को फ्रैक्शन में लाएंगे पॉइंट हटाएं तो ये आपको कट करके आ गया 108/5 घंटा। और एक तीसरा है जो खाली करने वाला, और तीसरा खाली कितना देर में कर रहा है, इसको 18 घंटा में खाली कर रहा, कितना घंटे में, 18 घंटे में। अब सवाल सोल्व हो गया, जहां पॉइंट है पॉइंट को हटा करके आप क्या कीजिएगा, पॉइंट को हटा करके राजकुमार देव कह रहा कि सर हम विवेक बोल रहे हैं सर, चलिए सही है विवेक जी, आप जुटे हुए हैं इसी तरीका से जुड़ करके आप आराम से पढ़ लीजिए। तो 18 घंटा में खाली कर रहा है, तीसरा पाइप दो पाइप भर रहा है, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 54, 108 और 18, एलसीएम लीजिए और बताइए एलसीएम कितना हुआ, 54, 108 और 18 का एलसीएम 108 ही आ गया, कितना आया 108, 54 से 108 कितना बार में कटेगा, आप कहेगा दो बार में कटा और 5 से गुना हो गया तो 5 × 10, 54/5 से 10 बार में, 108/5 से कितना बार में कट गया, 5 बार में, और 18 से कितना बार में कट गया, आप कहेगा कि 6 बार में, 18 × 6 = 108, ये खाली कर रहा है इसीलिए माइनस लगाए, तीनों को एक साथ लाइए तब a + b + c, सी खाली करने वाला है तो 10 और 5 = 15 खाली, 15 भर रहा, 10 और 5 = 15 भर रहा है और 6 खाली करेगा तो अभी कितना भरेगा, 9 भरेगा, कितना भरेगा, 9 भरेगा, और 108 लीटर भरना है 9 के क्षमता से तो कितना मिनट में भर जाएगा, आप कहेगा कि 12 मिनट है तो मिनट, घंटा भी है तो 12 घंटा में भरा जाएगा, 12 घंटा सभी लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए, नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा, सभी लोग 12 आंसर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 14 होगा, राजकुमार देव बोल रहे हैं, वो गलत कर दिए क्या क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 14 होगा। अच्छा, 2/3 ही भाग भरना था, सही है, 14 ही होगा। 2/3 ही भाग भरना था। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा बात समझ लीजिए, 21 लीटर नहीं भरना था सर, 21 का 2/3 ही भरना था, और 21 का 2/3 14, और 14 में 1 से भाग दे देंगे 14, ठीक है, 14 ही आंसर होगा। हम 21 लीटर टोटल भरा दिए थे, लेकिन टोटल नहीं भरना था, ये नीचे आपको दिया हुआ 2/3 भाग, सही है, सही है, 9 नंबर का 14 ही आंसर होगा, 21 नहीं। 21 तब होगा कि जब टोटल भरवाना था, टोटल नहीं अभी भरवाना है, 2/3 ही भाग भरवाना। नेक्स्ट सवाल, अपने पुनः अपने क्वेश्चन पर चले आइए, 11 नंबर सवाल। तो 9 नंबर का आप लोग आंसर थोड़ा सुधार कर दीजिएगा, यह इतना तो आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं दिया, 2/3 ही भाग था, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट सवाल आप आ जाइए, 11 नंबर सवाल। एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप हैं, जिससे क्रमशः 4 और 6 घंटा में उसे पूरा भरा जा सकता है। एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटों में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटा के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता, उसके बाद तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता, टैंक को शेष भाग कितने समय में भरा जा सकता है, मान निकालना। सब लोग दो दो आंसर कर रहे हैं, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। बात को समझिए, 2 प्रवेश पाइप है, एक है जो ये मान लेते हैं 1 4 घंटा में भरता है, और दूसरा बी मान लेते हैं वो 6 घंटा में भरता है, और एक तीसरा पाइप है जो सी है वो 8 घंटा में पूरा भरे टैंक को खाली कर देता है। एलसीएम ले लेंगे, आसान एलसीएम आ गया, 24, तो 6 में 24 से भाग, 4 में 24 से भाग देंगे 6, और 6 में 24 से भाग दिए 4, और 8 में 24 से भाग दिए 3। सबसे पहले कहा कि पहले ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को 1 घंटा के लिए खोलिए, ए और बी दोनों को 1 घंटा के लिए खोलकर बंद कर दीजिए। तो ए और बी 6 और 4 10, 1 घंटा के लिए खोलें तो टोटल कितना भर गया, 10 भाग भर गया। अब उसके बाद सी भी इसके साथ आया है, ए प्लस बी प्लस सी खाली करने वाला, तो 6 4 10 भरेगा और 3 खाली करेगा, तो अभी भी कितना भरेगा, आप कहेगा कि 7 भरेगा, 24 में से 10 भर चुका है, तो शेष भरा हुआ भाग अब कितना है बचा भरने के लिए, आप कहेगा कि 14 भरने के लिए, और शेष भाग का मान निकालना है, 14 लीटर 7 के दर से भरेगा, कितना घंटा में भर देगा, 2 घंटा में। लेकिन आपको पूछता कि टोटल कितना समय लगा, टोटल टाइम बताइए कि टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा टंकी भरने में, पहले कहेगा कि 1 घंटा तक चल चुका है, 2 घंटा और चलेगा, तो टोटल टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। अभी शेष भाग पूछा तो शेष भाग 2 घंटा। नेक्स्ट सवाल, 11 के बाद 12 पर चले आइए, 12 नंबर सवाल पर आइए। 12 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर जो सवाल है आपको, 12 नंबर, ये 12 नंबर सवाल कहा गया कि पाइप ए एक खाली हौद को 6.1 घंटा में भर सकता, जबकि पाइप बी इसे 10.2 घंटे में भर सकता, केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है, हौद को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पाइप ए है जो 6.1 घंटा में भर सकता है, और पाइप बी भी 10.2 घंटा में भर सकता, दोनों भरने वाला है, पाइप ए 6.8 का मतलब कट करके 34/5 आ गया, तो आप कहेगा कि पाइप ए 34/5 घंटा में भर सकता है, और पाइप बी 10.2 घंटा, 10.2 घंटा का मतलब पॉइंट हटा तो कट करके आ गया 51/5,
34 बटा 5 और 51 बटा 5। सबसे पहले 34 बटे 5 और 51 बटे 5, 34 और 51 का एलसीएम लीजिए, 34 का भी एलसीएम लीजिए और 51 का भी एलसीएम लीजिएगा। आप कहिएगा कि 34 और 51 का एलसीएम 102 आ गया, 34 से 102 तीन बार में और 5 से या आ गया आपको 15। 34 बटा 5 से भाग दिए 102 में तो 15 आ गया, और 51 बटा 5 से 102 में भाग दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया। सबसे पहले आपको कहा कि केवल पाइप बी को 1.7 घंटा के लिए चालू किया जाता है, तो केवल पाइप बी को 1.7 घंटा के लिए चालू कर रहे हैं। एक घंटा में पाइप बी 10 लीटर पानी भरेगा तो 1.7 घंटा में कितना भर देगा, आप कहेगा कि 17 लीटर पानी भर देगा। बाकी बचा कितना लीटर, आप कहेगा शेष बचा हुआ भाग 85 लीटर है। अब इसमें ए के साथ बी भी चला आया, बी के साथ ए आया, अब दोनों मिलकर के 10 और 15, 15 और 10 मिलकर कितना 25, तो 85 लीटर शेष 25 क्षमता से भरने जा रहा है, कट करके आ गया 17, पंचे का 85 और 5 पच्चे 25, 17 बटा 5 का मतलब कि 3.4 घंटा। अब बात को बताइए, शेष पूछा कि पूरा भाग पूछा, शेष पूछा कि पूरा भाग, थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप कीजिए, तो शेष पूछा कि पूरा भाग पूछा है आपको, यहां कहा गया कि हौद को भरने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल समय पूछा, टोटल समय हम निकालने जा रहे हैं। पहले कितना देरी चल चुका है, आप कहेगा कि पहले 1.7 घंटा चला है, अब कितना देरी चला है तो 34.4 घंटा चला, तो 34.4 घंटा, सॉरी 3.4 घंटा और 1.7, ये आपको आ गया 5.1 घंटा, और 5.1 घंटा को मिनट में लाने जा रहे हैं, मिनट में लाए तो 5 घंटा पूरा हो गया, और प्लस का 1/10 और मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर दिए तो 5 घंटा 6 मिनट, 5 घंटा 6 मिनट, 5 घंटा 6 मिनट, आप लोग आंसर किए 5 घंटा 6 मिनट। अनूप कुमार साहनी कहा एक बार फिर से, कोई बात नहीं सर, एक बार फिर से बता देते हैं, कब से पढ़ा रहे हैं सर जी, ये सर 6 बजे से चल रहा है क्लास, लेकिन कल 5 ही बजे से चलेगा। एक बार और बात को समझ लीजिए, बनाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। बिक्की कुमार देखिए क्या करें कि बनाने के लिए टाइम दीजिए, तो सर जब आपको बनाने के लिए टाइम ही देंगे, एक घंटा टाइम ही है और आपको बनाने के लिए भी टाइम देंगे, तब कब बनेगा सवाल, कब डिस्कशन होगा। इससे पहले आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है ना, आराम से रूम पर बनाते रहिएगा। 6 मिनट 6 घंटा 5 घंटा 6 मिनट, सभी आंसर करें। फिर से बात को समझिए, 6.8 को 34 बटे 5 और 10.2 को 10.2 को 51 बटे 5, एलसीएम आ गया 102, 34 बटे 5 से 102 में भाग दिए 15 आ गया और 51 बटे 5 से 102 में भाग दिए 10 आ गया। पहले बी को खोला गया है 1.7 घंटा के लिए, एक घंटा में बी 10 लीटर तो 1.7 घंटा में 17, 102 लीटर में 17 लीटर भर चुका है, बाकी बचा 85, ये 85 में ए और बी दोनों आएगा तो 15 और 10 25 के क्षमता से 3.4 घंटा, ए और बी दोनों साथ साथ 3.4 घंटा चला और बी अकेले 1.7 घंटा चला, टोटल 5.1 घंटा चला। 5.1 को आप लिख सकते हैं 5 + 0.1, और 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, और घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए, 5 घंटा 6 मिनट। नेक्स्ट सवाल चले आइए सर, नेक्स्ट सवाल। ठीक है सर 5 बजे अच्छा रहेगा, इसीलिए तो 5 बजे कर दी। विजय कुमार नमस्ते गुरुजी, नमस्ते 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 सर। विनोद यादव कहा कि सर मैं प्लेटफॉर्म में आपसे मैथ पढ़ा हूं, चलिए ठीक है, यहां भी एक बार पढ़ लीजिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये नया सवाल है, सब टाइप का आपको सवाल कर दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए रखिए और पढ़ते रहिए। तो आपको नेक्स्ट सवाल आपको सामने ये रहा, कहा गया सर जी नेक्स्ट सवाल कि 2 पाइप, 13 नंबर सवाल है,
12 हो चुका। 13 नंबर जो सवाल है, कहा कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटों में खाली कर सकता। शुरुआत में जब टंकी खाली था तो पाइप ए और सी को चालू किया गया था, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया तथा उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया। यदि ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे तो पाइप बी को कितना घंटा तक चालू रखा गया, या पाइप ए को कितना घंटा चालू करने के बाद बंद कर दिया गया? तो पाइप ए इसमें कितना देरी तक काम किया, पाइप बी इसमें कितना देरी तक काम किया, पाइप सी इसमें कितना देरी तक काम किया? तीन पाइप लगा हुआ है। सर फिर से प्लेटफॉर्म में आ गए हैं सर। हाँ, पहले से भी प्लेटफॉर्म में थे और फिर भी प्लेटफॉर्म में ही। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 13 आराम से गहराई से समझते रहिए। ये आपको जो पूछा हुआ सवाल है कब है, ये आपको एएलपी का ही सवाल है, एएलपी का सवाल है। तो आप बात को ये समझिए कि ए और बी, ए है जो 32 घंटा में भरता है और बी है जो 64 घंटा में भर रहा, और बी है जो 48 घंटा में, 64 घंटा में नहीं 48 में, और सी इसे 64 घंटा में खाली कर रहा। बिना सोचे समझे आप क्या कीजिए, बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लीजिए। 32, 48 और 64 एलसीएम लेने नहीं आता उनको, फिर से एक बार हम एलसीएम लेने के लिए बताते हैं कि आप एलसीएम लेने के लिए 64 सबसे बड़ा वाले संख्या का एलसीएम लीजिए। 64 32 से कट रहा है, कहिएगा हाँ। 48 से कट रहा है तो नहीं, क्योंकि 48 में 16 भी है और 3 भी है। 64 में तो 16 है परंतु 3 नहीं है, 3 से गुना कर देंगे, और 64 में 3 से गुना किए, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19, मतलब 192। एलसीएम कितना आ गया, 192। बाकी नहीं समझ में आया तो आपका एलसीएम का चैप्टर अपलोड है, उसको फिर गहराई से समझ लीजिएगा। अब 192 आया, 32 से 192 कितना बार में कट गया, 6 बार में। 48 से 192 कितना बार में कट गया, आप कहेगा 48 से 192 4 बार में कट गया। 64 से 192 कितना बार में, 3 बार में कट गया। सबसे पहले कहा कि ए के साथ, सबसे पहले ए के साथ सी को लाइए, ए के साथ सी लाए तो 6 भरेगा और 3 खाली करेगा, ए के साथ सी आएगा तो 3 भरेगा, और ए को हटा दीजिए और ए के स्थान पर बी को लाइए और सी ओसा ही रहेगा, तो बी के साथ जब सी को लाएंगे तो बी 4 लीटर भरेगा और एक 3 लीटर खाली करेगा, कितना लीटर भरेगा, 1 लीटर भरेगा। अब हम मान लिए कि इसमें ए x घंटा के लिए चल रहा होगा या बी x घंटा के लिए चल रहा होगा। अभी हम मानते हैं कि इसमें है जो ए को x घंटा तक चलाया और ए को फिर बंद कर दिया। अगर ए x घंटा तक चलेगा तो ए के साथ साथ सी भी x घंटा तक चलेगा, तो टोटल 3 गुना x भाग, और बी शेष कितने समय के लिए चलेगा, टोटल 112 घंटा है जिसमें x घंटा ये चला, तो बी चलेगा 112 माइनस x, तब 112 माइनस x, इनका क्षमता बी और सी कितना है, 1, लेकिन टोटल कितना भर देता है, आप कहेगा 192 भर देता है, टोटल 192। क्वेश्चन थोड़ा हटा दीजिए, टोटल 192 भर देता है, टोटल कितना भर देता, 192, टोटल 192 भर देता है। अब बात को समझिए, ये 3x हुआ और प्लस का 112 हुआ, माइनस का x बराबर 192 हुआ। 3x में से x चला गया, आप कहिएगा कि 2x सर जी, और 192 में से 112 चला गया, आप कहिएगा 80, x बराबर कितना आ गया, 40। तो a इसमें 40 घंटा तक चला है और b इसमें 40 घटा देंगे तो कितना घंटा तक, 72 घंटा तक चला, a 40 और b 72 घंटा, ये 40 घंटा और भी 72 घंटा तक चला। तो आप बताइए बात को कमेंट करके, कमेंट के थ्रू, कि बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। रुपेश कुमार कह रहा कि सर मेरा पढ़ाई अधूरा रह गया था सर जी लॉकडाउन के कारण, कोई बात नहीं, यहां पूरा कर लीजिए।
सब अधूरा पूरा हो जाइएगा, पूरा हो जाएगा, पेशेंस रखिए। विजय कुमार कहा कि आपका बहुत सारा स्टूडेंट भाई जॉब ज्वाइनिंग कर लिया और कर रहा है गुरुदेव। थैंक यू विजय जी, समझ में आ गया सर जी, रिपीट सर जी। रंजन कुमार रमन कहा कि रिपीट कर दीजिए, एकदम पूरा समझ में आया। एडवांस कब से चालू होगा सर जी? एडवांस के लिए तो सर बताएं कि कल से स्टार्ट होगा, फिर से हम लास्ट में एक बार बता देते हैं। रमन जी बार बार कह रहे हैं कि सर रिपीट कीजिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन का कोई शॉर्ट मेथड बताइए, बहुत ही लॉन्ग है सर। इसमें आप जितना आसान से, मतलब इतना तो समझाने के लिए हम लिखे, जितना आप इसमें एस्केप कर सकते हैं, इससे और आसान कुछ नहीं है सर, क्योंकि आप इफिशियंसी समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन आसान तरीका से बनना स्टार्ट होगा। फिर से समझिए, 12, 48, 64 एलसीएम 192, इच्छे क्षमता 4, क्षमता 3, एक बार एक के साथ सी आया तो 3 भाग भर रहा है, 6 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है 3, और एक बार बी के साथ सी आया तो बी 4 भरेगा और 3 खाली करेगा 1। माने कि ये x घंटा तक चला, 112 घंटा में भरता है तो बी शेष 112 माइनस एक्स, x घंटा तक चला 3x, 112 माइनस एक्स, एक के क्षमता से चला तो 112 माइनस एक्स, 3x में से x चला गया 2x और 192 में से 112 चला गया 80, x का मान 40, ये इसमें 40 घंटा और 112 में से 40 चला गया 72 घंटा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पर चले आइए। फाउंडेशन का बैच लाइए सर प्लीज, क्वालिटी ठीक कर दीजिए सर जी, क्वालिटी सही नहीं है। सभी लोग आप अपना कमेंट लिख करके बताइए क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। जिनका नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्वालिटी ठीक नहीं होगा, ये मानते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर जो सवाल आपके सामने है, ये आपको कहा गया कि पाइप पे भरी हुई टंकी को 5.6 घंटा में खाली कर सकता है, जबकि पाइप भी उसी खाली टंकी को 7 घंटा में भर सकता है। टंकी को पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी बारी बारी से प्रत्येक एक घंटा के लिए खोला जाए तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये आपको अल्टरनेट वाला सवाल आया, क्या है अल्टरनेट। तो ए है जो 5.6 और 5.6 को हम लिखेंगे 28/5 और बी है जो इसे 7 घंटा में खाली कर रहा है। एलसीएम लिए तो 28 आ गया, ऊपर क्षमता 5 है भरने वाला का और खाली करने वाला का क्षमता कितना है 4 है। भरने वाला का क्षमता 5, खाली करने वाला का क्षमता 4। कहा कि ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक एक घंटा के लिए खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। 5.6, बी उसी खाली टंकी को 7 घंटा में भर सकता है। उल्टा कर दिए, ए आपको है जो खाली करने वाला है और ए आपको है बी वाला है जो भरने वाला है। ऊपर वाला ए खाली करने वाला और बी भरने वाला। अब बात को समझिए, पूरा टंकी भरा रहने पर पहले ए को उसके बाद बी को, तो पहले ए को खोल दीजिए। एक घंटे के लिए हम ए को लाए तब 5 लीटर खाली कर दिया, फिर अगले एक घंटे के लिए बी को लाएंगे तो उसमें 4 लीटर भर देगा। एक और एक कितना घंटा, आप कहेगा कि 2 घंटा का एक साइकिल पूरा हुआ और एक साइकिल में 1 लीटर खाली हो रहा है। कितना लीटर खाली आपको कराना है 28। अब डायरेक्ट 28 से नहीं गुना करना, थोड़ा सा बात समझिए कि अगर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो उसमें बंदर वाले सवाल पढ़े होंगे कि उछलता है फिर फिसलता है, उछलता है फिर फिसलता है, तो आप पहला स्टेप फिक्स रखते थे कि लास्ट वाला जो स्टेप उछलेगा तो उसका जो फुलुंगी धरा जाएगा या लास्ट वाला उसका जो आपका धरा जाएगा तो नहीं फिसलेगा या पेड़ पर चलता है फिसलता है, उसी वाला यहां कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब कि अगर ए से स्टार्ट हुआ है तब ए वाले मान को फिक्स करेंगे, बी से स्टार्ट हुआ है भरने वाला है तो भरने वाला को फिक्स करेंगे, खाली करने वाला है तो खाली करने वाला को फिक्स करेंगे। ये लास्ट स्टेप हम फिक्स कर दिए, 28 लीटर भरना था जिसमें 5 लीटर को फिक्स कर दिए, बाकी कितना लीटर भरवाना है 23 लीटर खाली करवाना। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में 5 लीटर बचेगा,
अगर लास्ट में 5 लीटर बचेगा, अगर लास्ट में 5 लीटर बचेगा तब ये आवेगा तो डायरेक्ट खाली करके चला जाएगा, इसीलिए लास्ट में हम 5 फिक्स कर दिए। ये भरने वाला रहेगा तो भरने वाला को फिक्स करेंगे, टंकी खाली हो रहा है तो खाली होने वाला को फिक्स करेंगे, बाकी बचा कितना 23। अब बताइए कि 1 लीटर खाली कर रहा है, 23 लीटर खाली करेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 23। 23 से काम में गुना किए तो 23 से समय में भी गुना करेंगे, 23 दुना का 46, 46 घंटा में 23 लीटर खाली हो गया, बाकी बचा हुआ भाग कितना है 5। अगले में ए पहला घंटा, एक ही घंटा में ए आएगा, 5 लीटर खाली करेगा, 23 और 5 28, कितना 46 और 1 47 घंटे में पूर्णतः टंकी खाली हो जाएगी। तो आप लोग फिर से एक बार कमेंट कीजिए कि 14 नंबर सवाल समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो दो बार और इसको समझने की आवश्यकता, क्योंकि इसको आप समझ गए तो समझिए कि आने वाले सभी सवाल आपको आसान तरीका से बनना स्टार्ट हो जाए। धनंजय कुमार जी, सर जी नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, कब से फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है सर जी? सर फाउंडेशन बैच आएगा आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अरुण राज कहा कि सर अपना जॉब को छोड़कर पढ़ाने आए हैं, सब ठीक ठीक सा सर क्लास करो, हाँ ठीक कर रहा, सब ठीक से क्लास करो, आराम से समझते रहो। आ गया समझ में सर जी। अंकित कुमार कहा कि नहीं आया है सर, कोई बात नहीं। और रमन जी कहें समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो भी और समझ में नहीं आया है तो भी, एक बार और हम इसको समझाएंगे, समझ में आ गया है तो भी एक बार समझना और समझ में नहीं आया है तो भी एक बार शांतिपूर्वक बोर्ड पर कंसंट्रेशन बना करके आराम से एक बार और समझ लीजिए। कितना बार और? एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। जब भी इस प्रकार के आपको अल्टरनेट वाला आएगा तो अल्टरनेट वाला में तब ध्यान देना है कि जब आपको एक काम करने वाला आ जाए, एक बिल्डर आ जाए, एक विध्वंसक आ जाए, या एक पाइप खाली करने वाला आ जाए और एक भरने वाला, तब अगर कोई ऐसा एक भरने वाला और एक खाली करने वाला नहीं है तो सोचने की कोई भी तरकीब नहीं है, डायरेक्ट आंसर करेंगे। अभी यहां एक भरने वाला और एक खाली करने वाला तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला बार ए को खोला जाता है तो पहला घंटा ए को खोलिए, ए को खोलेंगे तो 5 लीटर खाली कर देगा। दूसरे घंटे एक घंटा के लिए बी आएगा और बी आएगा तो 4 लीटर भर देगा। बताइए कि ये 5 लीटर खाली किया और बी गया 4 लीटर और भर दिया, तो एक्चुअली जो टंकी खाली हुआ ऊपर से कितना लीटर? मात्र 1 लीटर खाली हुआ। एक और एक कितने घंटे में? 2 घंटा में 1 लीटर खाली हुआ है। अब डायरेक्ट 28 लीटर खाली करवाना है तो 28 से डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, 28 × 56। जैसा ही 28 से गुना किए तो समझिए कि 500% गलत हो गया और यह भी ऑप्शन आपको बी दिया हुआ। तब तक खुश आप रहिएगा, तब तक आपको रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी हो जो आंसर की नहीं अपलोड करता है, अपलोड करने के बाद कहिएगा ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको माइंड में बना हुआ कि जैसा ही मैथ का आंसर मिला सही नहीं, मैथ का आंसर मिलने से सही नहीं होगा, प्रोसेस सही होना चाहिए। और प्रोसेस सही करने के लिए अगर टंकी खाली हो रहा है तो खाली होने वाला को फिक्स करेंगे, 5 लीटर खाली होगा तो 28 में 5 को फिक्स कर दीजिए, बाकी बचा कितना 23। अब 23 ही लीटर खाली करवावेंगे, किसके गुणज में खाली हो रहा? एक, एक के गुणज में तो 1 से गुना करेंगे, 2 के गुणज में रहता तो क्या 23 2 का गुणज था? आप कहिएगा कि नहीं सर, तो 23 के बाद कौन सी ऐसी संख्या था कि 2 का गुणज है? अभी एक मिल गया जो 23 का 1 से गुणज है। कितना से 1 में गुना करेंगे? 23 में। अगर 23 से हम काम में गुना किए तो यही 23 से समान संख्या से समय में गुना करेंगे, 23 दुना का 46 घंटा में आपको 23 लीटर पानी खाली हुआ। कितना लीटर खाली करना था? 28। कितना और बचा है? 5 लीटर और बचा। पहले एक घंटा ये आएगा और 5 लीटर खाली करके चला जाएगा, 46 और 1 कितना? 47 घंटा। नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए, 15 नंबर पर। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, अगर अभी भी नहीं आप लोग को समझ में आया है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको यह वीडियो YouTube पर अपलोड रहेगा और जैसा ही लाइव सेशन समाप्त होता है उसको फिर पुनः दोबारा से एक बार और देख लीजिएगा, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल,
15 नंबर सवाल को समझिए। कहा गया कि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए का घंटा के लिए क्रम से खोला जाता है। भरने वाला 15 घंटा लेते हैं और खाली करने वाला 21 घंटा में पूरी तरह खाली करते हैं। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब कि ए अगर भर रहा है तो 15 घंटा में भर रहा, और बी अगर खाली कर रहा है तो 21 घंटा में खाली कर रहा। दोनों का एलसीएम ले लिए 105, 15 सते 105, भरने वाला का क्षमता 7 और 21 से 5 में खाली करने वाला का 5। पहला बार ए को हम एक घंटा के लिए खोले, तब एक घंटा के लिए खोले तो कितना लीटर भरा? 7 लीटर। पहला के बाद दूसरा घंटा बी आया तो कितना लीटर खाली कर दिया? 5। एक और एक कितना घंटा? आप कहिएगा कि 2 घंटा, और 2 घंटा में कितना लीटर भरा? 2 लीटर भरा। भरने वाला है, भरने वाला को फिक्स कर दिए, खाली करने वाला रहेगा, खाली करने वाला को फिक्स करेंगे। भरने वाला 7 लीटर भरने वाला है तो 7 लीटर फिक्स किए, 105 में 7 फिक्स हो गया, बाकी बचा 98। 2 का 98 कितना का मल्टीपल है? 49 का। तो 49 में 2, 2 में 49 से काम में भी गुना किए, समय में भी गुना करेंगे, 98 घंटा में 98 लीटर पानी भर गया। 7 लीटर और भरना है, पहला घंटा कौन आएगा? ए। ए एक घंटा लेगा और 7 लीटर पानी भर देगा। 98 और एक कितना? 99 घंटा में पूर्ण रूप से पानी भर जाएगा। सभी लोग आंसर किए 99। चला जाए नेक्स्ट सवाल पर, 15 के बाद 16 कि 16 नंबर जो सवाल कहा वो आपको क्या कहा है? 16 नंबर सवाल, भरने वाला टंकी है तो भरने वाला को फिक्स करेंगे, और खाली करने वाला टंकी है तो खाली करने वाला को फिक्स करेंगे। एक राउंड में जितना काम करता है उसी के मल्टीपल में भरेगा दोनों। नेक्स्ट सवाल आ जाइए कि 16 नंबर जो सवाल है ये आपको 16 नंबर सवाल क्या कहा? पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता। अब जब टंकी खाली है तो पाइप ए एक घंटा के लिए और बी, मतलब कि अल्टरनेट फिर चलाया जा रहा, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? मतलब सेम सवाल है। अगर ए 1.5 घंटा में भर रहा है, 1.5 घंटा का मतलब 3/2, और बी है जो 2.4 घंटा में भरी हुई टंकी को खाली कर रहा, 2.4 घंटा का मतलब कि 12/5। एलसीएम दोनों को लीजिए, आप कहेगा एलसीएम आ गया 12, 12 में 3/2 से भाग दिए तो कितना आ गया? 8, और 12 में 12/5 से भाग दिए तो कितना आ गया? 5। मतलब कि ए 8 लीटर भरेगा और बी 5 लीटर खाली करेगा। अब बात को समझिए, अगर पहला घंटा ए आया, ए पहला घंटा आएगा भरने, ए से स्टार्ट किए तो पहला घंटा ए कितना लीटर पानी भर दिया? 8 लीटर। अगला एक घंटा के लिए बी आया तो कितना लीटर पानी खाली कर दिया? 5 लीटर। एक और एक कितना घंटा? 2 घंटा में कितना लीटर पानी भरा है? आप कहेगा कि 3 भरा। कितना भरा है? 3। भरना था कितना? 12। अब फिक्स करेंगे भरने वाला को, 8 फिक्स किए तो बाकी बचा कितना? 4। अब बताइए कि 4 भर रहा है, 8 को फिक्स कर दिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्केप कर दीजिए, तो 12 में 8 हम फिक्स कर दिए हैं, 12 में 8 क्या किए सर जी? फिक्स कर दिए। अगर 12 में 8 फिक्स किए हैं तो बाकी बचा है कितना लीटर? 4 लीटर। और 4 लीटर ये दोनों मिल करके भरेगा 3 के दर से, लेकिन जब भी ए और बी भरेगा वो 3 लीटर के गुणज में भरेगा, 3 लीटर के गुणज में भरेगा। क्या 4 3 के गुणज है? क्या 4 3 के गुणज है? आप कहिएगा कि नहीं। तो 4 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है? 4 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 का गुणज है? आप कहेगा कि 6। तो 6 3 का कितना गुणज है? 2। तो 2 से काम में भी और 2 से समय में भी 4 घंटा में 6 लीटर पानी भर गया, बाकी बचा हुआ कितना है? 6 लीटर। अगला जो आएगा ये 8 लीटर भरता है, 8 के क्षमता से 6 ही लीटर भरना है, तो 6/8 का मतलब कि 3/4, तो 3/4 घंटा में अगला 6 लीटर पानी भर दिया 12। टोटल समय आया 4+3/4, मतलब कि 4 घंटा 45 मिनट या 4.75। फिर से बात को समझिए कि ये बात समझ में आया कि नहीं, एक बार आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग कि बात समझ में आया कि नहीं, यस या नो, इतना बात समझ में आया कि नहीं, यस या नो।
इसका एलसीएम 12 कैसे हुआ सर जी? अमित सुनील कहा कि इसका एलसीएम 12 कैसे आया सर जी? तो अब बात को समझिए, इसका एलसीएम 12 कैसे आया? हम कह रहे हैं कि एलसीएम सिर्फ ऊपर वाला ही क्या लेना है, 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा? आप कहिएगा कि 12 सिर्फ हर वाला को ही लेना है, टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम्स हो, या तो टाइम एंड डिस्टेंस में एलसीएम लेने की आवश्यकता होगा, तो सिर्फ किसका एलसीएम लेंगे? हर वाले को, सॉरी हर का नहीं, अंश वाले को, अंश वाले को लेंगे, हर वाले को नहीं, अंश वाले को लेंगे, अंश वाले को एलसीएम लेंगे। समझ में आया? नो, नहीं आया कोई बात नहीं, रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। फिर से सर जी बात को फिर से एक बार समझिए, फिर से हम इसको एक बार मिटाने जा रहे हैं और एक बार फिर से पुनः समझ लीजिए। हम एलसीएम लिए तो 3 और 12 का एलसीएम कितना आया? तो आप कहेगा कि 3 और 12 का एलसीएम कितना आ गया था? 12 आ गया था। ये पहला घंटा के लिए ये को लाएंगे तब कितना भर देगा? 8। दूसरा घंटा बी चलेगा, कितना लीटर खाली करेगा? आप कहेगा कि 5। एक और एक कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा में कितना लीटर पानी भरा? 3 लीटर। तो भर रहा है, टंकी भरने वाला को यहां फिक्स करेंगे, तो भरने वाला को फिक्स किए, बाकी बचा कितना? 4। खाली हो रहा है तो खाली करने वाला को फिक्स करेंगे, यहां फिक्स कर दिए। अब कितना लीटर भरना था? 4। तो जब भी ए और बी भर रहा है तो 3 के मल्टीपल में भर रहा, क्या 3 के मल्टीपल 4 है? आप कहेगा कि नहीं। तो 3 के मल्टीपल 4 नहीं है, 4 के जस्ट बाद 3 के मल्टीपल कौन है? आप कहेगा कि 6। तो 6 3 का कितना मल्टीपल है? 2 मल्टीपल है, 2 से काम में तो 2 से समय में गुना कर दिए, 4 घंटा, और 4 घंटा में कितना भर गया? 6। कितना और भरना है? आप कहेगा कि 6 लीटर और भरना है, लेकिन ए आवेगा तो कितना भरेगा? 8 लीटर। 6 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 3/4, तो 3/4 समय लगेगा, 4 घंटा और 3/4 घंटा, 4 घंटा 45 मिनट समय लगा, 4 घंटा 45 मिनट समय लगेगा। अगला नेक्स्ट सवाल लगाइए, तो नेक्स्ट सवाल पर चले आइए, नेक्स्ट सवाल समझिए। मात्र 2 सवाल और बताएंगे, बाकी बचे हुए सवाल पाइप एंड सिस्टम से बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, बाकी बचा हुआ सवाल कल समाप्त करेंगे। मात्र 2 सवाल और, क्योंकि 2 सवाल अगर आज कर देते हैं तो कल आराम से बाकी बचा हुआ सवाल समाप्त हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, विजय कुमार, यस धुआं धुआं हो गया गुरुदेव जी, थैंक्स। अखिलेश रविदास, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, लेकिन बहुत लेट से आए सर। पीकेएस बाई का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, जुए रहिए, धीरे धीरे सब पता चलेगा। अनुभव कुमार, हरिओम, हरिओम सर, हरिओम। पीके सिंह, मैथमेटिक क्लासेस, ये अनूप सहनी का है। 17 नंबर क्वेश्चन कहा कि खाली हौद के इनलेट पाइप शुरू करते हैं तो एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप, मतलब पूरा नहीं पढ़ करके थोड़ा सा ये हम आपको समझाना चाहें, तो ये आपको कहा कि भरने वाला खाली हौद को भरने में 11.25 घंटा लेता, अगर एक पाइप है जो खाली हौद को भरने में 11.25 घंटा और एक बी पाइप है जो खाली हौद को खाली करने में 22.5 घंटा। एलसीएम लेने के लिए 22.5 डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 11.25 से 22.5 कट जाता, तो एलसीएम 22.5 ले लिए, 22.5 एलसीएम ले लिए, 22.5 एलसीएम लिए, तो 11.25 से 2 बार में कट गया और 22.5 से 1 बार में कट गया। पहला घंटा को ए को एक साथ, एक घंटा के लिए ए को हम चलाएं, पहला घंटा के लिए ए चलाएं तब 2 लीटर पानी भर गया, अगला एक घंटे के लिए बी को लाए हैं तब 1 लीटर पानी निकाल दिया। ए और बी कितना घंटा के लिए चल गया? 2 घंटा, और 2 घंटा में कितना लीटर पानी भरा? 1। फिक्स करना है किसको? 2 को। 2 भर रहा तो भरने वाला को फिक्स, खाली कर रहा है खाली करने वाला को फिक्स, तो फिक्स हम 2 को किए। जैसा ही हम 2 को फिक्स किए तो बाकी बचा कितना? आप कहिएगा कि 20.5 बचा, 20.5
क्या एक का मल्टीपल 20.5 है, मतलब जब भी भरेगा तो एक एक लीटर भरेगा, भरेगा आधा लीटर नहीं, एक लीटर, डेढ़ लीटर भी नहीं, एक लीटर भरेगा, दो लीटर भरेगा, तीन लीटर भरेगा, चार लीटर भरेगा, पांच लीटर भरेगा, लेकिन 20.5 है जो एक का मल्टीपल में नहीं है, पूरा पूरा एक नहीं है, तो 20.5 के बाद कौन है, आप कहेगा कि 21, तो 21 में एक से भी गुना करेंगे और 21 में दो से भी गुना करेंगे, तो 21 दुना का 42 घंटा में 21 लीटर भरा, बाकी शेष बचा हुआ कितना है, डेढ़ लीटर बाकी बचा हुआ है, कितना देर में भरना है, डेढ़ लीटर भरना है, कितने क्षमता से, डेढ़ लीटर का मतलब 3/2, कितने क्षमता से, दो क्षमता से, पहला घंटा ही अब आएगा, गुना करने के बाद वे पहले आता है जो स्टार्टिंग में काम करता है, तो पहला घंटा ही आएगा, दो के क्षमता से भरेगा, मतलब 3/4, तो 3/4 घंटा, 42 घंटा और प्लस 3/4 घंटा, मतलब कि 42.75 घंटा या 42 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट सवाल पर चले आइए सर। नेक्स्ट सवाल आज का लास्ट सवाल 18 नंबर सवाल जो आज का लास्ट सवाल होगा। आज का लास्ट सवाल है 18 नंबर। ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक प्रवेश का पाइप और एक निर्गत पाइप एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक घंटा के लिए फिर क्रम से खोला गया है। कहा कि पाइप को 10.5 घंटा लगते हैं खाली टंकी को भरने वाले प्रवेश का पाइप को, मतलब भरने में 10.5 घंटा, 10.5 घंटा का मतलब 21/2 और खाली करने में 35 घंटा खाली करने में लगता है, 35 घंटा है जो खाली करने में। एलसीएम लेंगे 21 और 35 का एलसीएम, आप कहेगा कि 105, 21/2 से 10 बार में कटा और 35 से कट गया आपको 5 बार में, 35 से कट गया 3 बार में। आप बताइए कि टंकी कितना देरी में भर जाएगा पूर्णतः, फिर अल्टरनेट वाला वही सवाल है, फिर पीडीएफ के लिए सर जी, पीडीएफ के लिए एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है PKSY Maths, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, वहां सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 105 एलसीएम लिए हैं, पहला घंटा के लिए, पहले घंटे के लिए ए को लाइए, तो पहला घंटा ए लाएंगे तो 10 लीटर भर देगा, अगले दूसरे घंटे के लिए बी को लाए, ये 3 लीटर खाली कर दिया और एक कितना घंटा हुआ, 2 घंटा में कितना लीटर भरा, 7 लीटर भर गया, कितना लीटर भर गया, 7 लीटर भर गया। अब 7 लीटर भरा है, इनका आंसर कर रहे हैं आप लोग, बता दीजिए सर जी बच्चों को, क्या सर, टेलीग्राम चैनल PKSY। तो आपको यहां फिक्स वाले सवाल लेकर के चले आइए, भर रहा तो भरने वाला को फिक्स करेंगे, खाली हो रहा तो खाली करने वाला को फिक्स करेंगे, फिक्स कर दिए 10, तो बाकी बचा हुआ कितना है, 95, बचा हुआ भाग कितना है, 95। तो क्या 7 से 95 पूर्णतः विभाजित है, 7 से 95, थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप करिए, 7 से 95 पूर्णतः विभाजित है, 7 से 95 पूर्णतः विभाजित है, 7 से 95 पूर्णतः विभाजित है, आप कहिएगा कि नहीं, तो 95 के बाद कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, आप कहिएगा 98। कितना, 14 से 7 में गुना करेंगे तो 14 से यहां भी गुना किए, 28 घंटा में 98 भर चुका है, बाकी कितना भरना है, 7, लेकिन भरता है कितना, 10, 7 लीटर 10 के क्षमता से भरेगा, तो 7/10 मिनट में लाएंगे तो 28 घंटा, 7/10 को हम मिनट में लाएं तो 28 घंटा 42 मिनट, 60 से गुना कर दिए, 28 घंटा 42 मिनट। तो आज यहीं रहने भी देते हैं सर जी, और कल आप लोग का समय पता होगा, कल 5 से 6 चलेगा,
पांच से छह चलेगा, ये पीकेएस बाई मैथ्स पर लाइव चलेगा, जो इस पर आप लोग पढ़ रहे हैं एडवांस आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप 7 से 8 PM में ही आप नवीन कुमार सिंह मतलब नवीन सर के चैनल पर प्लेटफॉर्म कोचिंग से वो लाइव होगा, आप लोग वहां एडवांस का लाभ उठा सकते हैं, यहां अर्थमेटिक का। यही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।